तो गाइस फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। बड़ा है तो एडजस्ट हो जाएंगे ना। ओके सो दिस इज द ब्यूटीफुल होटल रूम एंड अभी वाला मस्त मिला होटल और बालकनी भी बहुत 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 बड़ी है। लाइक लिटरली यहाँ पे चार पांच लोग आराम से बैठ सकते हैं बट हमने दो रूम लिए फिलहाल। हमारे एक जीजू भी ज्वाइन किया हमको ला। हाँ तो हमारे जीजू ने भी अभी उनको ज्वाइन किया तो दो लोग रूम है एंड लाइटिंग भी मस्त है इधर। ओके लाइटिंग हाँ क्या प्यारी लाइटिंग लग रही है। तो फिलहाल चलते हैं रूम में बातें करते हैं एंड फिर सोने के टाइम में मिलेंगे। टाइम हो रहा है अभी रात के। टाइम क्या हो रहा है? 1 बज गया क्या? सो गाइस होटल बहुत ब्यूटीफुल है और मस्त मस्त एकदम व्यू और सब लोग शायद सो गए। हमारे यहाँ पे मस्खरा पाना चल रहा। चलो नीचे अब अपने अपने रूम में। दो फ्लोर नीचे उतरने का हुआ। बहुत हॉन्टेड हॉन्टेड दिख रही है होटल में। अपना रूम नंबर कितना? 100 है ना नीचे है ना? थोड़ा सा ना एकदम हॉन्टेड हॉन्टेड सी वाइब्स आ रही है अपने यहाँ पे। The next day. तो गाइस रात को हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं एंड आज है डे 2 मतलब डे 1 रहेगा ना आज। मतलब रात को लेट नाइट पहुंचे थे एंड होटल बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सा होटल हमको मिला है एंड फ्रेश हम लोग हो चुके हैं। अभी हमको यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करने का सबसे पहले और ये हमारे सोहेल भाई। अब रात में सोते सोते बहुत टाइम हो गया था। रात के 2 बज गए थे सोने के लिए। अभी उठते उठते बज गए 9-10 बज गए। अभी जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं सीधा बाहर की आइडिनरी हम जो भी बनाएंगे वहाँ पे। हो गया फ्रेश एंड हमारा मैकबुक भी अभी तक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी ना मैं एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू दिखाने वाला हूँ एंड लिटरली शायद ऐसा व्यू अभी तक तो मैंने नहीं देखा। लाइक मैं जहाँ पे भी स्टे किया हूँ ना इतना प्यारा नहीं आया। तो एंजॉय करो। 3, 2 एंड 1। तो रेस्टोरेंट से जो व्यू आ रहा बाप रे क्या जबरदस्त व्यू है। नीचे थोड़ा सा डाउनटाउन दिख रहा पूरे पूरे झाड़ 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 बहुत बढ़िया। एंड हमारा रूम ना इस साइड पे है तो ये व्यू थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा था झाड़ वगैरह रहने के सामने। तो हमारा एक बहुत बड़ा पोपट हो गया। रेस्टोरेंट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। सुबह सुबह जाते छोड़ रहे एंड गाइस हमने ना ये चीज़ नोटिस ही नहीं की। मेरे को लग रहा था आसमान है वो लेकिन ये यहाँ पे जहाँ पे पेड़ ख़त्म हो रहे ना ये साइड पे उसके आगे पूरा समंदर है एंड इससे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है पूरा। नहीं नहीं अभी तो कुछ बोले नहीं। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। कितना के नीचे नीचे अंडरग्राउंड में होटल बना के रखा था इसने। ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी शायद यहाँ। कई स्टाफ वगैरह के लिए अभी हमको आइडिया तो नहीं हम लोग कहाँ जा रहे बट स्विमिंग पूल ढूंढने गए। हाँ सीरियसली बहुत फट रही है। जिम एक्सेस
हाउस है कि छोटा? अरे मेरे को लगा पूल बोले तो अच्छा फिर बड़ा ओपन पूल होगा, छोटू सा पूल है भैया ये, आ सकते लेकिन फिर भी टाइम पास के लिए ठीक है, जो भी है। हाँ चलो मैं अपना कंटेंट क्रिएशन का काम कर। अच्छा बड़ा होटल है बे, एंड एक चीज़ अभी तक जो नहीं पसंद है वो थोड़ा सा इस पर स्पंजेस जो लग रहे हैं ना फिंगरप्रिंट्स हमारे लैपटॉप पे, वो नहीं पसंद आया बस अभी तक। तो फिलहाल मुझे ना थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो मैं यहीं से रुक के कर लेता हूँ एंड उसके बाद में जाते हैं ऊपर फ्रेश मतलब सामान वगैरह लेंगे एंड निकलेंगे बाहर। तो चलते हैं अभी ऊपर। तो ये है हमारे पास बलेनो थ्री ब्रदर्स की तरफ से एंड ये हमको भाईजान ने ही अरेंज करवा के दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो एक वॉक अराउंड वीडियो बना लेंगे एंड इसके बाद में चलते हैं फिर आगे। तो ये होटल हमारा बाहर से मतलब सामने से छोटा सा लग रहा बट अंडरग्राउंड में है जो बस पीछे के साइड से दिख रहा है। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे थे अपन पहले? थ्री सी में जाके नाश्ता करने वाले हैं एंड वहाँ से आगे की प्लानिंग है, क्लासेस के बारे में मिल जाएंगे उसको, ब्लॉग में मिल जाएंगे उसको। वीडियो लेना चालू कर डिस्प्ले में, क्या चैनल है बस यहां से लेफ्ट चैनल ये अपने रोड का खोद के रखे हुए, डिस्प्ले चालू होते हो तो नहीं ना जो अगर काम चालू होते हैं वो सीधे सीधा है कंट्रोल ऑपरेटर। तो फिलहाल हम गोवा के एक सेंट्रल रेलवे के काम पे हैं, ये ख्वाजा मिस्त्री हमारे अंकल औरंगाबाद वाले, उनका काम चल रहा है सामने है ट्रेन, अभी मतलब ये काम जो है सेंट्रल रेलवे स्टेशन का है जो कोंकण रेलवे से उसका, और यहाँ पे चल रहे हैं काम चला, देखेंगे क्या प्रोसीजर है इसका। आज ये जो पूरा सेटअप है ना ये बस सीमेंट ब्लॉक्स के लिए, मतलब सीमेंट ब्लॉक्स क्या काम आएंगे हमारे रोड बनाने के लिए एंड रोड बनेगा जो एक्सेस देगा रेलवे स्टेशन के लिए, तो आगे और भी पार्ट्स हैं। जैसे कि ना यहाँ पे सबसे पहले सीमेंट ब्लॉक्स को रॉ मटेरियल जो है वो इसमें जाएगा, देन पानी वगैरह मिक्सअप होगा एंड ये मिक्सर के अंदर कम्प्लीट सारे मिक्सिंग होने के बाद में ब्लॉक्स बनेंगे और ब्लॉक्स जाएंगे रोड के काम के ऊपर, आगे देखते हैं। तो ये जितना भी पार्ट आप लोग को दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ना पूरा एक रेलवे स्टेशन बनने वाला है, एक जंक्शन बनने वाला है और एक बनने वाला है गोडाउन जहाँ पे ये सीमेंट स्टोर होगा जिसके बाद अभी चल रही है यहाँ पे। क्या देख रहे घुमाना थोड़ा सा ऐसा वो यहाँ पे ना नारियल के पेड़, हर 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 जगह नारियल के पेड़ दिखते भाई। क्या A few moments later. Hey guys, हम लोग फिलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ खत्म करके निकल पड़े हैं अब एक डेस्टिनेशन पे, और वो डेस्टिनेशन क्या होगी, क्या कहाँ जाने का अभी अपने को वैसे? मान पान बीच, बागा बीच जाएंगे, वर्ल्ड फेमस बागा बीच, तो लेट्स गो। ब्लॉग में हाय बोला आशिक भैया। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं फिलहाल बागा द बीच एंड क्या रास्ता भाई, साउथ टू नॉर्थ गोवा जाने के लिए जो बढ़िया रास्ता बना हुआ है ना, एंड हमारी आज की राइड द बलेनो। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें झूमे शामे। तो फिलहाल हमें गोवा के पंजिम में एंड पंजिम से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है पंजिम आ गए, चलो अभी पाव भाजी खा के जाएंगे ना यहाँ से। चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है
तारों के बिन दिन दिन भर हो प्यारी बातें झूमे शामे गाए रातें तो आप ना अगर टीटोज लेन सर्च करोगे तो ये वाला रोड आपको दिखेगा, बहुत पॉपुलर ये रोड है एंड इसके ही ऑपोजिट में है बागा बीच। भाई क्या वाइब्स है यार, हमें मजा आ गया, मजा आ गया। सो गाइस आ चुके हैं द लेजेंड बागा बीच। So guys, बागा बीच क्या करने का भी? एंड ये है हमारे माउंटेन व्यू।